हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं मिलते हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो देखिएगा, ये हम दो नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन के कपड़े की ये बना के बताएंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाती है और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा, ये हमने तीन कलर में कपड़ा ले लिया है। ये हमारा डार्क ब्लू कलर है और ये हमारा रेड कलर है और ये डार्क ग्रीन कलर है। तो ये हमने तीन कपड़े ले लिए हैं कॉटन के। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो और आप ज़्यादा कलर से भी बना सकते हो और कम कलर से भी। तो देखिएगा, ये हमारे 3.5 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी पट्टी है इस तरीके से। तो हमने इसी हिसाब से तीन पट्टियाँ काट ली हैं। तो ये हमारे घेरे के लिए है। तो हम इनको तीनों को ऐसे इस तरीके से सिल लेंगे एक साथ, इस तरीके से तीनों को ऐसे जोड़ते हुए इस तरीके से जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद में हम इनको तीनों पट्टियों को एक साइड से इसको लॉक कर लेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो इसको हम लॉक कर लेंगे तीनों पट्टियों को इसी तरीके से, एक पट्टी बना के इस तरीके से। तो ये हम बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने इसको इस तरीके से लॉक कर दिया है और ये हमने पूरी पट्टी को एक साथ जोड़ लिया है। तो देखिएगा, लॉक करने के बाद में हमारी इसकी चौड़ाई कितनी रह चुकी है। ये 2.5 इंच रह चुकी है और टोटल लंबाई इसकी हो गई है 40 इंच टोटल लंबाई है। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ेंगे और इस तरीके से ये हम इस तरीके से ये पास पास में पलेट डाल लेते हैं। तो ये पूरी पट्टी में पलेट डाल लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये घेरा तो कुछ इस तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा घेरा बन गया है इस तरीके से। एक बार आप इस पर प्रेस मार लीजिएगा तो अच्छे से सेट बैठ जाएगा इस तरीके से। तो ये घेरा बन गया है। तो अब हम बनाते हैं चोली। तो देखिएगा, चोली भी हम ये सेम ही बनाएंगे कपड़े की। तो ये हमारा डार्क ब्लू कलर है, इसके लिए हम ये चोली के लिए काटते हैं दो पट्टियाँ इसमें से। तो ये हमने 6 इंच लंबी इस तरीके से पट्टी काट ली है इस तरीके से। हमने इसको डबल कर लिया है और ये हम इसमें से काट लेंगे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे इसमें से। तो देखिएगा, हमने दोनों कलरों में से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है और 6 इंच लंबी। तो इनको हम इस तरीके से सिल लेंगे पहले इस तरीके से। दोनों को हम इसको सिलेंगे यहाँ से, इतना सिल लेंगे आधे से कम, और इधर से भी हम इसको इस तरीके से पूरा पूरा सिल लेंगे दोनों साइड से। और यहाँ से भी हम ये गले के लिए सिल लेंगे इस तरीके से। तो ये हम सिल लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने चोली भी इस तरीके से बना दी है। दो कलर बनाई हमने फैंसी चोली। तो ये हमने इसको ऐसे पलट के मोड़ के सिलाई लगा दी है ऐसे, देखिएगा इस तरीके से। इस तरीके हमने इसको यहाँ से सिलने के बाद में हमने इसको पलट लिया है और ये हमने बाजुओं के लिए छोड़ दिया है इतना इतना दोनों साइड से, ये 1.25 इंच, और नीचे हमने सिल दिया है। तो इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे इस तरीके से।
इस तरीके से। तो ये चोली बन गई, तो इसके घेरे के यहाँ इधर रखेंगे इसको और इस तरीके से हम इसको सिलते हुए ले आएंगे। तो ये सिल लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो हमने देखो चोली दो तरह से बनाई है, दो कलर से ये। तो फ्रेंड्स ये पूरी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है बनके। इस तरीके से हमने चोली को जोड़ दिया है, इधर से खुली है, तो इसको आप आसानी से लड्डू गोपाल जी को पहना सकोगे। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को आप पहना दोगे। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनके कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिएगा ये ड्रेस बहुत ही सुंदर, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।